डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं के शर्मा। बच्चों, आज मैं आपको नेचर स्टडी के बारे में बताऊंगा। नेचर स्टडी में हमारे ट्री आते हैं, तो ट्री, लाइव ट्री और जो ड्राई ट्री होते हैं, उनके बारे में मैं कलर से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें बैकग्राउंड कलर करेंगे स्काई ब्लू। तरह से बच्चों, ऊपर से हल्के सी डार्कनेस, लेकिन ये ध्यान रहे कि मिक्सिंग अच्छी तरह से हो। ब्रश हमारी जब तक चलती रहे तब तक कलर अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। इस तरह से हम ऊपर से थोड़ा सा डार्क और नीचे हल्का हल्का लाइट, इस तरह से लेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड इस तरह से बन गया। इसमें थोड़े से क्लाउड के इफेक्ट्स हम दिखाना चाहेंगे, तो इसमें वाइट कलर लेंगे। वाइट कलर इस तरह से हल्का हल्का, और नीचे की तरफ हल्का इस तरह से ब्रश को चलाना है। ये देखिए, क्लाउड के इफेक्ट्स बन गए। बच्चों, ये ध्यान रहे कि जब हम कलर मिक्सिंग करते हैं तो कलर नीचे वाला भी और ये भी दोनों गीले होने चाहिए, नहीं तो मिक्सिंग नहीं होगी, अपने अलग इफेक्ट छोड़ देगी ब्रश। अब इसको थोड़ा सा सूखने देंगे और उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये इसका सरफेस अब ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे ट्री ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये इसका तना इस तरह से। ये तना और ये इसकी ब्रांचेस। अब इसी तरह इसके आगे जितनी भी निकलेंगी ब्रांचेस, उनको इस तरह से हल्का हल्का ड्रॉ कर लेंगे यूं। स्टूडेंट्स, हर एक कलरिंग के बाद में ब्रश को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें ब्राउन कलर लेंगे और इस तरह से ब्रश को चलाएंगे, इस तरह से जहाँ जहाँ हमारे ब्रांचेज है वहाँ वहाँ। पहले ब्रांचेज पूरी बनाएंगे इस तरह से, अभी कलर गीला है तो इसमें हल्का सा ब्लैक कलर लेंगे और इसके साथ साथ दोनों कलर मिक्स करके ब्लैक और ब्राउन, इधर से थोड़ी सी डार्कनेस। इस तरह से लाइट अगर इधर से आ रही है तो इधर डार्कनेस, अगर लाइट
इधर से आ रही है तो इधर डार्कनेस, इसी तरह ब्रांचेज में भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इधर इस तरह से दिखाएंगे। ध्यान रहे कि कलर सूखने नहीं चाहिए। इस तरह से हमारा इसका ये तना बन गया। अब ऊपर जो कलर करना है, सबसे पहले डार्क ग्रीन लेंगे, सबसे पहले बच्चों हमने ये डार्क ग्रीन लिया है और सबसे पहले इसी को अप्लाई करेंगे इस तरह से। इसमें हल्का सा हमने डार्क, और ज़्यादा डार्क करने के लिए ब्लैक कलर भी मिक्स किया है। ये देखिए इस तरह से इस कलर को चलाना है, जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेज हैं वहाँ वहाँ इस तरह से। कलर ये डार्क ग्रीन चलाना है, इसी कलर को फिर जहां तक हमें ज़रूरत है वहाँ तक किसी को चलाना है, और उसी तरह की मिक्सिंग ब्लैक और ग्रीन। बच्चों देख रहे हैं ना आप किस तरह से कलर हमने ब्रश में लिया है और किस तरह से हम इसमें इफेक्ट डाल रहे हैं। अब ब्रश को वॉश करने के बाद में इससे लाइट वाला कलर लेंगे, इसको इस तरह से इसके ऊपर जहाँ जहाँ हमारा डार्क चला हुआ है कलर, उसी के ऊपर इस तरह से इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में बच्चों जितने भी हमारे ये हमें दिख रही है जो अधूरी ब्रांचेज हैं, इनको हल्का हल्का आगे पूरा कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें ये दिखाई देंगे। और बाद में जितना भी हमारा ये ऊपर वाला लाइट पोर्शन दिखाना है, उसमें हल्का सा ग्रीन और येलो मिक्स करेंगे। बच्चों जितना भी हमें इसमें लाइट और डार्कनेस दिखानी, तो ये हल्का हल्का
येलो प्लस ग्रीन। इस तरह से हमें इसकी अलग अलग जो ब्रांचेज हैं जहाँ पे ग्रीन और लाइट ग्रीन है वो सब हमें इससे अलग नज़र आएंगी देखने। बिल्कुल आपको लग रहा है कि जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ लाइट ग्रीन है और जहाँ डार्कनेस है वो नीचे सबसे पहले हमने डार्कनेस इसमें दिखाई, तो बैकग्राउंड से डार्कनेस भी हमें नज़र आ रही है। देखिए इस तरह से हमारा ये ट्री रेडी हो गया। अब जो सूखे पेड़ होते हैं वो कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। बच्चों ब्लैक कलर लेंगे और इस तरह से ब्रश को चलाएंगे। अगर आप जैसे मैंने पहले बताया था ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ, चाहे आप डायरेक्ट ब्रश से भी बना सकते हैं। ब्रश को किस तरह से चलाना है ये भी ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से ब्रश को चलाना है और ये ब्रांच एक दूसरे में से इस तरह से निकलते हुए ये देखिए ये ड्राई जो हमारा ट्री होता है सूखा पेड़ होता है वो बन गया। अब इसमें हल्का सा डार्कनेस और लाइटनेस दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे। ये ब्लैक कलर है हमारा, इधर डार्कनेस ज़्यादा जहाँ जहाँ भी है डार्कनेस वहाँ डार्कनेस इससे ही दिखाएंगे। अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो हल्का सा हम वाइट कलर इसमें लेंगे और उससे हल्का हल्का ये इस तरह से लाइट और शेड दिखा सकते हैं। ये हमारा ड्राई। अब इसका जो नीचे का सरफेस है उसको कैसे दिखाते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों इस तरह से ये हमें दो तीन कलर मिक्स किए इसमें, ब्राउन ग्रीन प्लस येलो। ये देखिए इस तरह से और इसमें अब हम ब्रश चेंज कर लेते हैं। अब इसमें हल्की फुल्की घास या फूल पत्तियाँ इस तरह से हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। बच्चों आज मैंने आपको ट्री के बारे में बताया कि ट्री कैसे बनाते हैं, तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से आप भी ट्राई कीजिए, आप भी अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे। सिर्फ मैंने आज ट्री ही ड्रॉ करना बताया है और कलरिंग उसमें कैसे होती है वो मिक्सिंग वो मैंने बताई है आपको, तो आप भी इसी तरह से कीजिए, एफर्ट कीजिए,
आप भी अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।